हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। हमारे पास फ़ोन है और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है इसमें FRP लगी। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके पास रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स फ़ोन है, वो फ़ोन आपसे हार्ड रिसेट हो जाता है, उसमें FRP लग जाती है, तो उसकी FRP आप किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपना फ़ोन वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना। तो मैं अपना फ़ोन दोस्तों वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसे आगे बढ़ाते हैं, पिन और ये गूगल अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारा फ़ोन दोस्तों नहीं जाता। तो मैं इसका दिखा देता हूँ मॉडल नंबर। इसका रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स फ़ोन है और इसमें जो वर्जन है वो MIUI 14 वर्जन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ फ़ोन है। तो आपको करना है यहाँ से अपना फ़ोन बैक करना है, तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और वाईफाई के नीचे आना है ऐड नेटवर्क पर, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ नेटवर्क नेम पर क्लिक करना, तो यहाँ बार कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको करने का एक बार बैक करना है। बार कोड का ऑप्शन लाने के लिए यहाँ से बैक करना है, तो मैं बैक कर लेता हूँ। और बैक करने वास्ते यहाँ से एक बार और बैक करना है, यहाँ आना है चॉइस कीवर्ड पे, तो यहाँ कीवर्ड फॉर Xiaomi पे क्लिक करना नीचे वाले पेज पे, और इस पर क्लिक करने वास्ते आपको नेक्स्ट करना है। तो फिर से हमें वाईफाई के नीचे आना है यहाँ ऐड नेटवर्क पे, और जैसे ही यहाँ ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ नेटवर्क नेम पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो बार कोड है वो आ जाएगा। तो यहाँ फिर बार कोड पे क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। फिर इसके बाद नीचे आना है मोड सेटिंग पे, तो मोड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सेटिंग के सामने जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ शुरू वाला जो कीबोर्ड है इस पर क्लिक करना है, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ शेयर का ऑप्शन आएगा, तो शेयर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ से जो मैसेज है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाले मैसेज। इसके बाद यहाँ न्यू मैसेज पर जाना है। इसके बाद यहाँ एक नंबर है 111, आपको यहाँ टाइप करना है 111, तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे जो भी जाएगा इसे काट देना पहले आपको, तो मैं इसे काट लेता हूँ। इसके बाद यहाँ लिखना है आपको www.youtube.com, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ www.youtube.com यहाँ लिखना है और इसे सेंड कर देना, तो यहाँ से मैं सेंड कर लेता हूँ। मैंने लिखा और इसे लिखने के बाद दोस्तों क्या होगा, नीचे रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, जो हमारे फ़ोन का यूट्यूब का लोगो होता है वो आ जाएगा। तो ये आ चुका है, तो हमें यहाँ क्लिक करना है यूट्यूब पर, तो मैं कर लेता हूँ। ये आ चुका है यूट्यूब पर, तो हमें यूट्यूब पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें फिर YouTube की सेटिंग में जाना, तो हमारा जो फ़ोन का YouTube होता है वो ओपन होने वाला, ये हो चुका ओपन। तो हमें जाना है YouTube की सेटिंग में, YouTube ओपन हो चुका। इसके बाद यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना, फिर हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पर जाना है, ये आ चुकी है। इसके बाद YouTube टर्म ऑफ सर्विस पर क्लिक करना। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारे जो फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र होता है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से एक साइट है जिसका नाम है BK Smart FRP, तो आपको यहाँ लिखना है, तो मैं लिख लेता हूँ BK Smart FRP। यहाँ टाइप करना है BK Smart FRP और इसे लिख के आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर वाली जो साइट आएगी BK Smart FRP, तो इस साइट पे आपको जाना है। तो मैं चले आता हूँ यहाँ, सबसे ऊपर वाली साइट पे क्लिक करना आपको, मैं कर लेता हूँ यहाँ। इसके बाद दोस्तों ये साइट खुल चुकी है। इसके बाद करना क्या है, सर्च के सामने जो मेन्यू का ऑप्शन है पढ़िए, तो यहाँ क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ जाना है FRP एप्स का जो ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ रेड मोड पे क्लिक करना नीचे, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको करना है यहाँ से जो हमारे फ़ोन की सेटिंग है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जो हमारे फ़ोन की सेटिंग खुल जाएगी। इसका मॉडल नंबर दिखाया था मैं सबसे पहले रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, तो यहाँ से करना क्या, बैक करना। और बैक करने के बाद आपको जाना है ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ ऐप्स में क्लिक करना, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। और ऐप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ मैनेज ऐप्स का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करना। इसके बाद यहाँ फाइंड ऐप का ऑप्शन मिलेगा एरिया, तो आपको यहाँ क्लिक करना, तो मैं कर लेता हूँ। इसके बाद जो हमारे गेट ऐप्स का ऑप्शन है ये खुल जाएगा, और यहाँ स्किप पे क्लिक करना पहले, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। ये खुल चुका है हमारा जो ऐप्स का वो है। इसमें करना क्या है, सर्च में जाना, और सर्च में जाने के बाद यहाँ लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ सर्च में जाना है और सर्च में लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। यह एक्टिविटी लॉन्चर लिखना है, और लिखने के बाद आपको सर्च करना है। यह आ चुका समय शुरू का एक्टिविटी लॉन्चर, इसे आपको डाउनलोड करना है, तो मैं कर लेता हूँ। यह डाउनलोड हो गया इंस्टॉल, यहाँ से ओपन करना है, यहाँ से ओके पर क्लिक करना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा ये ओपन होने वाला है, ओपन हो चुका। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, आपको ऊपर जाना है सर्च में, जहाँ एक्टिविटी लॉन्च लिख रहा है यहाँ सर्च में जाना, और यहाँ लिखना है आपको स्पेस, तो मैं लिख लेता हूँ स्पेस। और स्पेस लिख के आपको स्पेस दबाना है, जहाँ इंग्लिश लिख रहा है इस पर क्लिक करना है। एक बार ये आ चुका है सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट, तो मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार। तो आपको करना है सर्च में जाना, और यहाँ लिखना है स्पेस, और स्पेस लिख के स्पेस ही दबाना है एक बार, यानी कि वाला बटन दबाना, जहाँ इंग्लिश लिख रहा है इसे।
और इसके बाद दोस्तों सेकंड स्पेस फिंगरप्रिंट आ जाएगा दूसरे नंबर पर, तो यहाँ क्लिक करना। इसके बाद ये सेट फिंगरप्रिंट आ चुका, ये आ चुका बिल्कुल, तो यहाँ हमें स्किप पे क्लिक करना। और जैसे ही यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे जो हमारे फ़ोन में FRP लगी हुई थी बिल्कुल दोस्तों बाईपास हो जाएगी ये, और हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल ओके खुल जाएगा। अगर आपके पास रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स फ़ोन है उसमें FRP लग जाती है तो उसकी FRP आप इस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो, देखा आपका दिन शुभ।